हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रेस विद गिलो। इट्स मी डालवी। सो आई होप सब लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, सेफ होंगे। सो आज की जो वीडियो होने वाली है वो है एक सदर बाज़ार मार्केट की वीडियो। सो मैं आपके साथ एक शॉपिंग हॉल शेयर करूँगी सदर बाज़ार मार्केट का। सो रिसेंटली मैंने थोड़ी सी शॉपिंग की थी, सो वही मैं आप सबके साथ आज शेयर करूँगी। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ मेक श्योर सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड अगर ये वीडियो अच्छी लगे देन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट इट विद द वीडियो। मैं रैंडमली प्रोडक्ट पिक करूँगी एंड जो भी प्रोडक्ट मेरे हाथ में आएगा मैं आपको शो करते जाऊँगी। सो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं बैंगल से। सो या इस बार मैंने बहुत सारे बैंगल्स लिए हैं अपनी मम्मी के लिए। सोनी से आज इस हॉल की शुरुआत करते हैं। सो मैंने ये वाले जो बैंगल है इनका पेयर बाय किया था। आपको 3 सेट मिल जाते हैं जस्ट 100 रुपीज़। सो आप देख सकते हैं इनमें आपको वेरियस डिज़ाइंस एंड कलर्स के ऑप्शंस मिल जाएंगे। सो ओपन करके दिखाती हूँ मैं आपको। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके की ब्यूटीफुल सी बैंगल है जिन्हें आप इजीली एवरीडे में पहन सकते हैं, एंड आप थोड़े बहुत बाहर जा रहे हो तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगती है। सो आप देख सकते हैं हाथ में पहनने के बाद बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही हैं। एंड ये वाला जो कलर होता है रेड और ग्रीन कलर, ऑलमोस्ट सारी ही कलर्स के ऊपर चले जाते हैं, सारी ही कलर के जो आउटफिट्स होते हैं उनके ऊपर चले जाते हैं। सो मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो गई थी, मैं कौन सा कलर लूँ मुझे समझ नहीं आ रहा था। कलर तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, आपको मल्टी कलर, एंड अगर आपको सेम कलर का लेना है ब्लू पिंक ग्रीन जो भी कलर आपको चाहिए सारे ही कलर्स वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। सो दो तो मैंने सेम ही ले लिए, एंड एक मैंने लिया था ये मल्टी कलर वाला। सो इसका भी डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। सो ये जो जितने भी है मुझे 100 रुपीज़ के 3 मिले थे। सो अगर आप नॉर्मल मार्केट से लेते हो तो यही पेयर आपको 50 to 60 रुपीज़ का मिलता है, एंड सदर में आपको यही सिर्फ 100 रुपीज़ में 3 मिल जाते हैं। एंड अगर आप सिंगल लेते हो तो आपको 30 to 35 रुपीज़ का मिल जाता है। सो देख सकते हैं ये वाले कुछ इस तरीके के थे, एंड ये भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे थे। इसमें काफ़ी सारे मल्टी स्टोन्स थे, सो ओवरऑल मुझे काफ़ी अच्छे लगे थे। एंड मेरी मम्मी इसी तरीके के जो कड़े हैं वो डेली में पहनती हैं, वो बैंगल्स कम प्रेफर करती हैं डेली में पहनना, तो इसलिए मैंने इनके लिए बाय कर लिए। ओके, सो ये 3 मैंने बाय किए थे 100 के। नेक्स्ट अगेन मैं आपके साथ बैंगल ही शेयर करूँगी। सो इस बार मैंने 3 से 4 पेयर बैंगल्स के ले लिए थे। सो अगेन मैंने ये रेड कलर के ब्यूटीफुल से इस तरीके के कड़े लिए थे। सो आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा प्रिटी लग रहे हैं ये। सो इनका जो प्राइस है एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है। सो या तो ये मुझे 50 रुपीज़ में मिले थे 100 रुपीज़ में, इन्हीं में से एक इसका जो प्राइस है वो है। सो ये वाले जो कंगन है आप देख सकते हैं इस तरीके के, आपको 4 आपको स्मॉल बैंगल मिल जाते हैं इस तरीके की। बच गया। सो आप देख सकते हैं इसमें आपको 2 इस तरीके के बड़े बैंगल मिल जाते हैं, एंड 4 आपको इस तरीके की स्मॉल जो चूड़ियां हैं बैंगल्स हैं वो मिल जाती हैं। सो ये काफ़ी अच्छे लगते हैं। इनमें आपको और भी कोई बैंगल्स लगाने की नीड नहीं होती है, आप सिंपल इस तरीके से इनको इस तरीके से वेयर कर सकते हो, काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। एंड ये सारी ही साड़ीज़ के जो कलर्स होते हैं उन पर चली जाएंगी, सो इजीली आप इनको वेयर कर सकते हैं। सो ओवरऑल ये जो कंगन होते हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं डेली वेयर के लिए, एंड कहीं भी आप बाहर जा रहे हो तो ईजिली इनको डाल सकते हो, एंड बहुत ज़्यादा ऐसे हाथ भरा भरा भी नहीं लगता, एट द सेम टाइम सुंदर भी लगता है। सो या अगेन मैंने बाय किए थे ब्यूटीफुल से कंगन, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे थे मार्केट में इस बार, सो मैंने इनको बाय कर लिया। सो देख सकते हैं प्योर ये बहुत ही ब्यूटीफुल रेड कलर की इस टाइप के कंगन है, एंड काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड है ये, एंड आपको इस तरीके की डिज़ाइन मिल जाती है, बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लग रही है ये, एंड पूरा यहाँ पे आपको स्टोन का वर्क मिल जाता है। सो आप देख सकते हैं आपको इस तरीके के 2 कड़े रिसीव होते हैं, एंड इनका जो प्राइस है जस्ट 80 रुपीज़ है, एंड अगर आप ऐसे ही 2 बाय करते हो तो आपको 150 रुपीज़ में 2 पेयर देखने को मिल जाएंगे। सो ओवरऑल मुझे इनकी क्वालिटी अच्छी लगी अकॉर्डिंग टू 80 रुपीज़, एंड डिज़ाइन तो ऑसम है इनका, डिज़ाइन आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा प्रिटी है, एंड अगेन किसी भी आउटफिट के साथ चला जाएगा। तो मोस्टली मैंने रेड ग्रीन यही सारे कलर्स पिक किए थे, बिकॉज़ ये सारे कलर्स क्या होते हैं वर्सेटाइल होते हैं, आप किसी भी आउटफिट के साथ कैरी कर सकते हो, कोई भी आपका कलर हो किसी भी कलर का हो तो ईजिली चले जाते हैं। सो आपको कौन सी बैंगल्स सबसे ज़्यादा अच्छी लगी मुझे जल्दी से कॉमेंट में बताइएगा। रक्षाबंधन आने वाला है, सो मार्केट से मैंने ये 2 क्यूट सी राखियाँ भी परचेज़ की। सो ये मैंने अपनी भाभी के जो बेबीज़ हैं उनके लिए परचेज़ किए हैं। सो ये बहुत बच्चों वाली राखियाँ हैं, देख सकते हैं कितनी ज़्यादा क्यूट सी लग रही थी। सो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी, एंड एक पर तो सच में बेबी बना हुआ है, एंड ऐसे
बॉटल भी है दूध की, सो मुझे बहुत अच्छी लगी थी राखियाँ उनके लिए, सो मैंने बाई कर ली थी। एंड जो राखी का प्राइस है वो मैं आपको स्क्रीन पर मेंशन कर दूंगी। सो या आई जस्ट लव दिस राखी। एंड सदर मार्केट में आपको अदर मार्केट के कंपेरिजन में काफ़ी सस्ते प्राइजेस में राखियाँ देखने को मिल जाएंगी। ओके सो अगेन मैंने बाई की थी ब्यूटीफुल सी बैंगल, आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा ही आवाज़ करने हैं। सो ये एक सिल्वर कलर की बैंगल्स हैं जिन्हें आप कुर्ती के ऊपर वेयर कर सकते हो, काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती हैं ये। सो तरीके से इसमें लटकन दी हुई है हर एक बैंगल में, एंड 100 रुपीज़ इसका प्राइस था एंड जस्ट 12 बैंगल्स मुझे रिसीव हुई हैं। सो ओवरऑल मुझे काफ़ी अच्छी लगी एंड इसमें आपको एक गोल्डन कलर और मिल जाएगा। सो अगर आप गोल्डन कलर लेना चाहते हैं तो गोल्डन कलर भी ले सकते हैं। सो ये जो स्टफ़ है वो आपको इजीली सदर मार्केट में मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ पर कोई पर्टिकुलर शॉप नंबर या फिर कोई शॉप की लोकेशन नहीं होती है, आप इजीली इनको फाइंड कर सकते हैं। जैसे ही आप सदर मार्केट में एंट्री करते हैं तो आपको रोड साइड में ही संडे को एक पटरी मार्केट दिखती है, वहाँ पर आपको अमेजिंग कलेक्शंस देखने को मिल जाते हैं। सो मोस्टली क्या है, मैं संडे को ही जाती हूँ, उसी दिन मार्केट कवर करती हूँ। सो उसी दिन मैंने ये स्टफ जो है बाय किया था एंड आई जस्ट लव दिस। ओके सो बात कर लेते हैं कुछ हेयर एसेसरीज़ की। सो मैंने बाई की थी ब्यूटीफुल सी कोरियन हेयर पिंस। सो आप देख सकते हैं मैंने सिर्फ ये 2 पेयर ही बाई किए थे, बिकॉज मैं जाती हूँ हर बार तो कुछ ना कुछ लेके आ जाती हूँ। मैं जो मार्केट टूर है वो एक्सप्लोर करने के लिए जाती रहती हूँ, सो एवरी संडे मैं मोस्टली जाती रहती हूँ। सो मुझे जब भी मतलब दिखते हैं इस टाइप की चीज़ें तो मैं कम ही बाइक करने की कोशिश करती हूँ। मतलब आपको इतनी अच्छी अच्छे ऑप्शंस वहाँ पर मिल जाते हैं कि आपको मन करेगा ये भी ले लो वो भी ले लो, बट ठीक है। सो मुझे मिली थी ये ब्यूटीफुल सी हेयर पिंस एंड इनका जो प्राइस था जस्ट 30 रुपीज़ था। या अगर आप इस तरीके का स्टफ़ कुछ लेना चाहते हैं, बल्क में लेना चाहते हैं, लाइक आपको एक दो लेना होगा फिर तो आप अपने लोकल मार्केट से ले लो, बट अगर आपको थोड़ा बहुत बल्क में लेना है तो आप ज़रूर सदर मार्केट विज़िट करिएगा, वहाँ पर आपको बहुत अच्छे ऑप्शन मिल जाएंगे। ओके सो फर्स्ट तो हो गया वो वाला एंड सेकेंड में दिखाती हूँ ब्यूटीफुल सा हेयर टिक टैक पिन एक्चुअली है। सो आप देख सकते हैं इस तरीके का बहुत ही ज़्यादा शाइनी सा ही टिक टैक पिन है एंड इसमें आपको पिंक एंड ब्लू दो कलर्स मिल जाते हैं। सो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा था मुझको ये वाला। सो इस तरीके से है, देख सकते हैं आप 50 रुपीज़ के अकॉर्डिंग क्वालिटी एंड डिज़ाइंस काफ़ी अच्छी है। सो आई जस्ट लाइक इट। इस बार सदर मार्केट से मैंने बाय किए थे क्लचर। सो मुझे काफ़ी अच्छे अच्छे क्लचर से इस बार दिखे थे। सो आप देख सकते हैं कुछ एक्रेलिक टाइप के क्लचर हैं एंड इनमें आपको बहुत सारे कलर ऑप्शंस मिल जाएंगे। सो मैंने 4 पे किए थे। सो इनका जो प्राइस था वो 100 रुपीज़ के, मतलब आपको 4 मिल जाएंगे एंड अगर आप एक बाई करते हो तो वो आपको 30 रुपीज़ का मिलेगा, बट क्वालिटी इनकी बहुत ज़्यादा अच्छी है। लाइक आपको सदर मार्केट में एवरी क्वालिटी में एवरी प्राइस में आपको सामान देखने को मिलेगा। आपको 20 रुपीज़ में 5 क्लचर्स का भी सेट मिलेगा और 25 में आपको एक इस तरीके का क्लचर भी मिलेगा। सो क्वालिटी टू क्वालिटी डिपेंड करता है कि आपको क्या बाई करना है, आप कैसी क्वालिटी चाहते हो, उसी के अकॉर्डिंग जो प्राइस है वो डिपेंड करता है। सो या आई जस्ट लव दिस एंड थोड़ा बहुत चीप मिलता है सदर मार्केट में, एकदम इतना ज़्यादा चीपेस्ट नहीं। अगर आप सिंगल कोई भी सामान बाय करते हो तो वो इतना ज़्यादा चीप नहीं मिलेगा कि आपको एकदम हाफ रेट में मिल जाए, बट या अगर आप बल्क में बाय करते हो तब तो आपको सदर मार्केट जाना ही पड़ेगा, क्योंकि उससे अच्छी मार्केट तो कोई हो ही नहीं सकती। बट या इस टाइप का स्टफ बहुत, इसकी जो क्वालिटी है मुझे सच में बहुत अच्छी लगी थी। सो ये मीडियम साइज़ के क्लचर हैं तो आप इजीली इनसे हेयर बन बना सकते हो, या फिर आपको हाफ जैसे बालों में क्लचर लगाना हो तो उस तरीके से लगा सकते हो। सो ओवरऑल क्लचर की क्वालिटी अच्छी है एंड डिज़ाइंस तो आप देख ही सकते हो, बहुत ज़्यादा प्रिटी आपको मिल जाएंगे। कुछ इनका ट्रांसपेरेंट सा टेक्सचर था, आप देख सकते हो। सो काफ़ी अच्छी लगी मुझे चारों। नेक्स्ट मैंने सदर मार्केट से बाय किया था ये टेप, लाइक ये डबल साइडेड टेप है। सो ये काम आता रहता है, लाइक कॉमन चीज़ें सबके घर में होती हैं। सो ये मुझे 10 रुपये का मिल रहा था, 10 रुपये में काफ़ी अच्छा मतलब इसका साइज़ था। सो मैंने बाई कर लिया। सो इस बार मैंने थोड़ा सा डेकोरेशन का सामान भी लिया है, लाइक आप बर्थडे पार्टी या फिर किसी भी पार्टी के लिए यूज़ कर सकते हो। सो फर्स्ट मैंने ली थी ब्यूटीफुल सी कैंडल्स, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी, दूर से ही मतलब लगी हुई थी तो दूर से ही देखने में बहुत ज़्यादा प्रीटी लग रही थी एंड इनका जो प्राइस था जस्ट 50 रुपीज़ था। यस 50 रुपीज़ में मैंने बाय की थी, आपको 4 कैंडल मिल जाती हैं। सो इस टाइप की जो कैंडल्स है केक पर लगाने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती हैं। सो हार्ट शेप में आप देख सकते हैं, आपको जो कैंडल है उनकी हार्ट शेप मिल जाती है एंड बहुत ही ब्यूटीफुल सी शाइनी इन पर जो प्रिंट है जो कलर है वो हो रखा है। सो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रीटी लग रही है। सो या मैंने ये बाय की थी कैंडल्स। सो एक मैंने बाय किया था ये हैप्पी बर्थडे का, इस तरीके से मतलब वॉल पर लगाने के लिए। सो यू नो मेरा बर्थडे भी आने वाला है तो शायद सेलिब्रेट हो सकता है। सो मेरी दीदी ऐसी है कि मुझे से मेरी बर्थडे के लिए सामान मंगाया, बट कोई नहीं यार चलता है।
मैं भी लेके आ गई। अगर हो सका, अगर टाइम मिल गया तो मैं सेलिब्रेट करूँगी, नहीं तो कोई बात नहीं। तो मैंने बाय किए थे बलून, सो ये मुझे आई थिंक 50 और 60 रुपीज़ के मिले थे। यस, सो इसमें आपको 50 पीसेज मिल जाते हैं। आप देख सकते हैं कि प्यारे से पिंक कलर के हैं ये बलून्स, एंड आपको बहुत सारे बलून्स की वैरायटी मिल जाएगी। लाइक आपको पार्टी का सामान वहाँ पर काफ़ी अच्छा मिलेगा। लाइक आपको कोई भी प्रॉप्स लेना हो वेडिंग के लिए, एनिवर्सरी के लिए, या फिर अपनी बर्थडे के लिए, तो आपको बहुत सारे प्रॉप्स के ऑप्शंस वहाँ पर मिल जाएंगे। एंड डेकोरेटिव सामान भी आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा। हाँ, अगर आप सिंगल लेते हो तो वही थोड़ा सा आपको कॉस्टली पड़ेगा, लाइक आपको मार्केट प्राइस पर ही मिलेगा। बट आप अगर आप थोड़ा ज़्यादा लेते हो, बल्क में लेते हो, तो वही आपको सस्ता मिल जाएगा। ओके, सो अगेन मैंने यहाँ पे एक और बैलून का पैकेट लिया। अब मुझे नहीं पता ये बैलून कैसे हैं, मुझे मतलब थोड़े से अलग से लगे थे। इनके अंदर जो बैलून है उनके अंदर छोटे छोटे से बॉल्स मतलब फिल किए हुए हैं। अब इनको मतलब अगर हम इनको फुलाएंगे तो ये जो है काफ़ी ज़्यादा मतलब जो बॉल्स हैं अंदर से सुंदर दिखेंगी। अब वो तो इनको ट्राई करने के बाद ही पता चलेगा कि कैसे मतलब कैसे दिखते हैं। सो लेट्स सी, मुझे काफ़ी ज़्यादा मतलब अलग से तो नहीं देखे भी हैं मैंने पहले, बट ठीक है, अच्छे लगे थे मुझे, इसलिए मैंने इनको बाय कर लिया। एंड ये भी अगेन मुझे 50 रुपीज़ का मिला था, एंड यहाँ पर 50 रुपीज़ में सिर्फ 4 to 5 बलून्स ही मिल रहे हैं। मैंने बाय किया था ये वॉल डेकोरेटर। सो ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा लाइक यूनिकॉर्न वॉल डेकोरेटर है। सो इस टाइप का इसका लुक आएगा पूरा बनने के बाद, आप देख सकते हो। सो यहाँ पर ब्यूटीफुल से यूनिकॉर्न लगे हुए हैं, सो इसकी वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगा ये। सो आपको इस टाइप के पीसेज में ये मिल जाते हैं। ओ वाओ, आप देख सकते हैं, आपको सिर्फ ऐसे करना है एंड वॉल पे स्टिक कर देना है। सो आप इजीली तरीके से डेकोरेट कर सकते हो इस टाइप के स्टफ से, अगर आप कोई पार्टी वगैरह ऑर्गेनाइज कर रहे हो तो। सो मुझे अच्छा लगा ये वाला जो पीस है वो। सो ये मुझे मिला था जस्ट 150 रुपीज़ में। सो थोड़ा सा कॉस्टली है 150 रुपीज़ के अकॉर्डिंग, बट अगर नॉर्मल हम बात करें आज की मार्केट रेट की, तो उतना ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, बिकॉज आजकल हर चीज़ ही इतनी कॉस्टली आती है। सो या आई जस्ट लाइक इट वॉल डेकोरेट। ओवरऑल मैंने इतनी ही शॉपिंग की थी सदर मार्केट से। सो कैसा लगा आपको मेरा ये हॉल, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड कौन सा प्रोडक्ट, कौन सा आइटम आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, वो भी कमेंट करके बताइएगा। सो या अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देन प्लीज़ मेक श्योर सब्सक्राइब टू माई चैनल, जल्दी से 1K सब्सक्राइबर कर दो। एंड वीडियो पसंद आती है तो लाइक तो ज़रूर कर ही देना। सो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, टेक केयर।